सभी का स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स। एसिटिक एसिड के जो यूजेस हैं इस पर बहुत सारे वीडियो प्रोलिक स्टेज पर मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। फिर भी बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिन्हें कंफ्यूजन रह रहा था, डाउट्स आ रहे थे कि एसिटिक एसिड के बिना भी हम काम कर सकते हैं या फिर ये एसिटिक एसिड जो है बहुत से व्यूअर्स को मिल भी नहीं रहा है। तो प्रोलिक स्टेज पे आज इसी के बारे में हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आई होप कि आपको आज का कंटेंट पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, एसिटिक एसिड के यूजेस की बात करें तो एसिटिक एसिड जो है काफ़ी यूजफुल थिंग है और बहुत इसकी जो स्मेल रहती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। एसिड के नाम से बिल्कुल भी नहीं घबराना है क्योंकि ये एसिड ऐसा एसिड नहीं है जो कि आपको बर्न करेगा या हार्म करेगा। हाँ, इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल जरूर रहती है तो आप उसके लिए मास्क का यूज़ कर सकते हैं। एसिटिक एसिड जो है पार्मालाइन में बहुत ह्यूज क्वांटिटी में यूज़ होता है। आपका टेक्सटाइल मिल हो गई, लॉन्ड्री बिजनेस हो गया, ड्राई क्लीनिंग हो गया, इन सब में भी एसिटिक एसिड का काफ़ी सारे यूजेस हैं। इसके अलावा क्लीनिंग इंडस्ट्रीज जितनी हैं वो भी एसिटिक एसिड को काफ़ी यूज़ करती हैं। फूड इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें भी एसिटिक एसिड का जितने भी आप सॉस केचप वगैरह मार्केट से लाते हैं जो उसके अंदर एक टेस्ट एक फ्लेवर आता है वो एसिटिक एसिड का ही आता है। ये एज ए प्रिजर्वेटिव भी काम करता है और साथ ही साथ ये जो हमारा प्रोडक्ट है उसके टेस्ट को भी इन्हांस करता है। तो ये तो बात हो गई यूज़ की एसिटिक एसिड की। इसके अलावा एसिटिक एसिड से ही वाइट विनेगर बनाया जाता है। चाइनीज़ जितनी भी डिशेज रहती हैं उसमें वाइट विनेगर का बहुत यूजेस हैं और वाइट विनेगर को आप घर पे किस प्रकार से बना सकते हैं इसके रिगार्डिंग भी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो आप उसे देख के एसिटिक एसिड से वाइट विनेगर घर पे बना सकते हैं। तो आई होप कि आपकी जो क्वेरीज है कि एसिटिक एसिड क्या है, हार्मफुल तो नहीं है, तो ये शांत हो गई होगी। अब बात करते हैं लॉन्ड्री बिजनेस यानी कि ड्राई क्लीनिंग में एसिटिक एसिड का यूज़। ड्राई क्लीनिंग या लॉन्ड्री, बहुत सारे जो बोर्ड्स आप देखते हैं ड्राई क्लीनिंग के लिखा जाता है बोर्ड्स पे कि ड्राई क्लीनर या ड्राई क्लीनिंग का जो शॉप्स हैं वो इस तरीके से लिखते, कुछ लिखते हैं ड्राई क्लीनिंग प्लस लॉन्ड्री। ड्राई क्लीनिंग की जो वीडियोस हैं बहुत सारे व्यूअर्स को ये भी कंफ्यूजन रहता है ड्राई क्लीनिंग मतलब ड्राई वॉश, नहीं ऐसा नहीं है। कुछ शॉप्स वाले आपको क्लियर करके चलते हैं ड्राई क्लीनिंग प्लस लॉन्ड्री लिख देते हैं, कुछ ड्राई क्लीनिंग में ही ये दोनों कैटेगरी आती है, ड्राई क्लीनिंग प्लस वेट ड्राई क्लीनिंग। ये जो क्लोथ्स को क्लीन करने का मेथड है उनमें ये दोनों मेथड आते हैं। 90% जो क्लोथ्स रहते हैं वो वेट ड्राई क्लीनिंग द्वारा होते हैं और 10% जो क्लोथ्स रहेंगे वो आपके ड्राई क्लीनिंग में की कैटेगरी में आप उसे ड्राई क्लीन कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग में मैं बहुत सारी वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। एसिटिक एसिड जो है बिना आप एसिटिक एसिड के वेट ड्राई क्लीनिंग की कल्पना नहीं कर सकते। हालांकि एक वीडियो में मैंने भी वाइट विनेगर का यूज़ करवाया है। वाइट विनेगर है वो बहुत डाइल्यूट फॉर्म में हो जाता है फर्स्ट सेकंड, वो आपको एक्सपेंसिव भी पड़ता है। ये मिलेगा कहाँ जो एसिटिक एसिड है, इसकी बात करें तो ये आपको किसी भी फूड प्रिजर्वेशन की शॉप पे मिल जाएगा। इसके अलावा ये आपको किसी भी बेकरी शॉप पे भी मिल जाएगी। ये रेनाउंड शॉप्स पे देखेगा आप 1 लीटर, 1/2 लीटर या 5 kg जितना आप लेना चाहते हैं आप उतना इसे परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो डेयरी प्रोडक्ट्स रहते हैं, बहुत सारे जो डेयरी वाले प्रोडक्ट्स हैं जैसे पनीर बनाना, इसमें भी ये एसिटिक एसिड का यूज़ किया जाता है और इसे ये लोग पनीर का मसाले के नाम से जानते हैं। आप इसके डेयरी वाले से अगर उसका ढक्कन खोल के देखेंगे स्मेल तो आप छुपा नहीं सकते, तो आप स्मेल से इसको पहचान लेंगे कि एसिटिक एसिड की बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है, तो आप उससे भी ले सकते हैं। ये तो वो हो गया जहाँ आपको कम क्वांटिटी में 1 किलो 2 किलो 5 लीटर जो भी आपकी क्वांटिटी रिक्वायरमेंट है उसमें ये मिल जाएगा। अगर आप लॉन्ड्री या ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस करते हैं तो आप केमिकल शॉप के पास भी जा सकते हैं, वहाँ आपको कम से कम 50 kg 100 kg इस तरह की बल्क पैकिंग आपको उठानी होती है। अगर वहाँ से भी लूज मिलता है तो आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। एसिटिक एसिड जो है ड्राई क्लीनिंग का जो वेट मेथड है उसके एसिटिक एसिड के बिना वो पूरा ही नहीं होता, बहुत ही इसके मैजिकल इफेक्ट्स हैं जो कि
ड्राई क्लीनिंग में इसका जो इफेक्ट देखेंगे आप, मैजिकल इफेक्ट जब आप इसे यूज करेंगे तभी आपको पता चलेगा। हमने इसमें माइल्ड सोप लेते हैं जो इसकी प्रॉपर्टी को बहुत, माइल्ड सोप से अगर आप वैसे क्लोथ धोएंगे तो धीरे धीरे उसके रेशो में मैल जमना शुरू हो जाएगा और क्लोथ जो है वो शाइनी भी नहीं रहेगा और क्लोथ डल होता चला जाएगा। जब हम उसमें एसिटिक एसिड को डाल देते हैं तो हमारा जो कपड़ा है वो लंबे समय तक एजिटिक ऐसे ही बना रहता है और उसकी जो क्लीनिंग प्रॉपर्टी है वो आप ये समझिए कि 10-15 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। इसमें इसके अलावा जो भी उसमें छोटे मोटे स्टेन रहते हैं वो सब भी रिमूव हो जाते हैं। ऑयल के स्टेन भी मैं रिमूव करना आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनसे रिलेटेड जो भी वीडियो है मैं सब डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। इसके अलावा जब ब्लैंकेट वगैरह ड्राई क्लीन करते हैं या गर्म कपड़े हम ड्राई क्लीन करते हैं तो उसे हम काफ़ी लंबे समय तक रखते हैं। अगर आप उसे एसिटिक एसिड में सेकेंड वॉश भी कर देते हैं तो वो आपका जो बैक्टीरिया है, कीड़े मकोड़े हैं, इन सब से भी प्रोटेक्ट करता है और कपड़ा आपका जो लंबे समय तक अच्छा बना रहता है। ये सॉफ्टनर का भी काम करता है। इसके अलावा जो पानी की क्वांटिटी है, हम अगर कपड़ा वैसे छिछालते हैं तो उसमें अगर डिटर्जेंट में आप वॉश करते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ पार्ट्स उसके डिटर्जेंट के रह जाते हैं। इसी प्रकार से माइल्ड सोप से ड्राई क्लीन में हम वॉश करते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ रह जाता है। तो जब हम उसे बार बार अच्छे पानी से छिछालने के बाद अगर सेकंड वॉश भी हम एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में डिप करके निकाल देते हैं तो वो फैब्रिक कंडीशनर का काम करेगा, साथ ही साथ आपके कपड़े की शाइन लंबे समय तक बनी रहेगी। तो आई होप कि जितनी भी क्वेरीज आपकी थी वो सब शांत हो गई होंगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी प्रकार की और वीडियोज़ के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।